नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। 15 साल बाद बीजेपी का किला ढहाकर कांग्रेस ने उस पर अपने सपनों का महल तो बना लिया, लेकिन लगता है कांग्रेस ये नया महल पचा नहीं पा रही है, इसलिए सुर्खियों में रहने के लिए कुछ ऐसा कर रही है जिससे उसे मध्य प्रदेश की जनता के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। क्योंकि पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर रोक लगाई गई, जिस पर शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा लताड़ा कि फैसला वापस लेने में भी देर नहीं लगी, और अब उसे और नए तरीके के साथ बैंड बाजे के साथ गाने का फैसला लिया गया है। ये मामला ठीक से ठंडा हुआ ही नहीं था कि कमलनाथ सरकार के एक और कदम ने मध्य प्रदेश की उस जनता को आहत कर दिया जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान न जाने क्या कुछ नहीं सहा, कितनी पीड़ा उठाई, कितनी बार जेल गए। लेकिन कमलनाथ सरकार ने अब उन मीसा बंदियों की पेंशन पर रोक लगा दी है, वो भी तब तक जब तक कि पेंशन लेने वालों का सत्यापन नहीं हो जाता, और सत्यापन कराने के लिए कोई समय सीमा भी तय नहीं की गई है, बस रोक लगा दी गई है। कमलनाथ सरकार ने सभी संभाग कमिश्नर और जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर जनवरी महीने से लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि राशि का वितरण भौतिक सत्यापन के बाद ही करने के निर्देश दिए हैं, और कमलनाथ सरकार के इस फैसले की जद में 2600 लोकतंत्र सेनानी और उनके परिजन आ गए हैं, जिनमें से 1600 मीसाबंदी और करीब 1000 मीसाबंदियों की पत्नियों को सम्मान निधि मिलती है, जिस पर कमलनाथ सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल इस फैसले से खासे नाराज हुए और कमलनाथ सरकार के इस कदम पर उन्हें निशाने पर ले लिया। पीयूष गोयल ने कमलनाथ पर इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहकर तंज कसा है। पीयूष गोयल ने लिखा कि कमलनाथ सरकार ने उन लोगों की पेंशन पर रोक लगा दी है जिन्होंने भारत के सबसे काले दिनों के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की लड़ाई लड़ी थी। मीसाबंदियों को पिछले करीब एक दशक से ये सम्मान निधि दी जा रही थी, यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी ये पेंशन दी जा रही थी। वो प्रदेश के सबसे कम उम्र यानी कि मात्र 12 साल में मीसाबंदी रहे हैं। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या राष्ट्रगीत पर रोक लगाने के बाद यूटर्न लेने वाली कमलनाथ सरकार इस बार भी अपने फैसले पर यूटर्न लेती है या नहीं।